फ्लोराइड के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, खबर लखनऊ से है। कंपनी के नाम पर की थी अरबों की ठगी, फ्लोराइड के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, लाखों का मुनाफा देखने का लालच देकर कई लोगों को ठगा, अरबों रुपए ठगने के बाद से थी फरार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर हेलो राइड ऐप के जरिए ठगी की गई, हजारों बेरोजगारों को महिला ने ठगा था। नीलम वर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को बना रही थी शिकार। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, हेलो राइड के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो अरबों रुपए की ठगी की गई थी उस मामले में यूपीएससीएफ ने हेलो राइड लिमिटेड जो कंपनी है उसके जो मालिक है नीलम वर्मा उसको गिरफ्तार किया, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये लगभग 150 से ज्यादा लोगों के से जो है ठगी कर चुकी थी और इस मामले में वो लगातार फरार भी चल रही थी, जिसको लेकर के एसटीएफ की टीम भी इस मामले में जांच कर रही थी, क्योंकि ये मामला पहले पुलिस के पास था उसके बाद एसटीएफ को दिया गया था। एसटीएफ जब से इस मामले की जांच कर रही थी तब से ये फरार थी, जिसके बाद इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल जिस तरीके से जो इसमें किस जो सामने आई है वो ये बताई जा रही है कि ये जो ठगी का काम हो रहा था, इस ठगी को लेकर के लगभग 150 लोगों की टीमें थी जो अलग अलग तरीके से लोगों को लुभावने सपने देते थे, फिर चाहे इन्वेस्ट के नाम पर पैसे एक ही ठगी हो या फिर हेलो राइड एक जो कंपनी है बाइक की उसके नाम पे ठगी हो या फिर जो ओला और उबर की बाइकों की बात की जाए उस नाम पे ठगी हो, क्योंकि इस तरीके की जो ठगी है ये लगभग अरबों रुपए की ठगी हुई थी और इसके साथ इस कंपनी में जिसका पति भी शामिल था। फिलहाल जिस तरीके पति की बात की जाए वो गिरफ्तार हुआ था, लेकिन जो महिला थी ये लगभग फरार चल रही थी। इसी मामले में जिस तरीके से मुकदमे विभूतिगंज थाने में दर्ज हुए थे, जांच एसपी रैंक के अधिकारी कर रहे थे, उसके बाद इस मामले को ट्रांसफर एसटीएफ को किया गया था। फिलहाल आज एसटीएफ की टीम ने नीलम वर्मा को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद विभूतिगंज थाने में दाखिल किया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से अब जो सिविलियंस पुलिस है वो इस मामले में क्या पीसीआर लेगी, यानी कि रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद आखिर क्या कुछ खुलासा होगा, जो 150 लोगों की एक टीम बनी थी उन 150 लोगों में कौन कौन लोग शामिल थे, उनमें क्या कुछ कमियां थी, उनको भी क्या गिरफ्तार किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोहिया संस्थान के इमरजेंसी में इलाज बाधित, खबर लखनऊ से है, जहां पर लोहिया संस्थान के इमरजेंसी में इलाज बाधित है, इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों का नहीं बन रहा है पर्चा। एक घंटे से मरीज और तीमारदार परेशान हुए, खबर लखनऊ से है। सर्वर की समस्या के चलते नहीं मिल पा रहा इलाज। ब्लैंक पेपर पर पर्चा बनाकर चलाया जा रहा है काम।